देश में कोरोना का ग्राफ 3,08,993 के पार, 24 घंटे में 11,458 नए मरीज। 10 दिन में कोरोना के 1,00,000 नए मामले सामने आए। 2 जून को 2,00,000 तक पहुंची थी मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक दिन में 386 लोगों की अब तक जान गई। अब तक 8,884 लोगों की मौत हुई। भारत में 1,45,779 एक्टिव केस, 1,54,329 रिकवर हुए। पीएम मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। कोरोना के ताजा हालात पर करेंगे चर्चा। 16 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय लेंगे पीएम मोदी। 17 जून को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के सीएम से करेंगे बातचीत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 2,137 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 36,824 हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,214 हुई। मौत का आंकड़ा 129 हुआ। सिर्फ 24 घंटे में 71 लोगों की मौत। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना से संक्रमित। 17 को होम क्वारंटीन किया गया। 2 दिन के लिए मंत्रालय सील। ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय में भी कोरोना का कहर। दोनों मंत्रालयों के एक एक अधिकारी को कोरोना हुआ। दिल्ली सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां मंजूर। LNJP से अभी तक 2100 लोग ठीक होकर लौटे। अस्पताल की कमी सामने आने पर करेंगे तुरंत कार्रवाई। दिल्ली के LG ने कोरोना से निपटने का तरीका बताने के लिए बनाई उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी। एम्स डायरेक्टर और ICMR के DG भी इस कमेटी में शामिल। कोरोना सूची में 4th नंबर पर पहुंचने पर बोले एम्स डायरेक्टर गुलेरिया, प्रति 1,00,000 की आबादी पर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में केस कम। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की मौत। अब तक 8 की कोरोना से मौत। सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में कोरोना की कम टेस्टिंग के सवाल पर सत्येंद्र जैन का बयान। कहा ICMR की गाइडलाइंस का पूरा पालन हो रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा सरकार की प्राथमिकता हर एक मरीज की जान बचाना। हालत से निपटने के लिए बेड का इंतजाम कर रहे हैं। जामा मस्जिद के बाद दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद भी 4 जुलाई तक बंद की गई। केवल मस्जिद में स्टाफ को नमाज अदा करने की इजाजत मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंची। एक दिन में 3,493 नए मामले सामने आए। 127 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 90 लोगों ने जान गंवाई। 1,372 नए मामले। लद्दाख में चीन सीमा विवाद पर सेना प्रमुख का बयान। कहा सीमा पर हालात काबू में है। भारत चीन सीमा कई स्तर पर बातचीत जारी है। दोनों देश आपसी बातचीत से सीमा विवाद को सुलझाएंगे। भारत और चीन के बीच गलवान के 2 ब्रिज और फिंगर फो इलाके को लेकर टकराव जारी। चीन पीछे न हटने के फैसले पर अड़ा है। जल्द ब्रिगेडियर लेवल पर होगी दोनों देशों में बातचीत। टकराव कम करने को लेकर होगी चर्चा। सेना को मिले 333 नए अफसर। देहरादून के IMA में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ मुकुंद मनोज नरवणे खुद मौजूद। कोरोना की वजह से पासिंग आउट परेड में नहीं शामिल हो सके जाबाजों के परिजन। सैन्य अफसरों के परिजनों ने कैडेट की हौसला अफजाई की। मास्क पहनकर कदम ताल करते नजर आए जाबाज। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। IMA में परंपरा रही है कि कैडेट्स के कंधे पर उनके परिजन ही लगाते रहे हैं स्टार, लेकिन कोरोना काल में पहली बार ट्रेनर परिजनों के रोल में नजर आए। कोरोना की वजह से कैडेट ग्रुप पुशअप, उछल कूद और जश्न भी नहीं मना सके। काफी परंपरा बदली बदली सी नजर आई। परेड के लिए पहले 2 कैडेट्स के बीच आधे मीटर की दूरी होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2 कैडेट्स के बीच 2 मीटर की दूरी नजर आई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान की लगातार उकसाने वाली कार्रवाई। बारामूला जिले के रामपुर सेक्टर में फायरिंग, 1 महिला की मौत। पाकिस्तान सेना पूंछ जिले के बालाकोट, शाहपुरकरनी और कस्बा समेत 5 सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। उरी के कमलकोट में दागे गए मोर्टार। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बांदीपुरा श्रीनगर हाईवे पर सेना को मिला संदिग्ध गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में हो सकता है विस्फोटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले CDS और तीनों सेना के प्रमुख। लद्दाख और LAC पर विवाद को लेकर चर्चा की। भारत नेपाल बॉर्डर के पास फायरिंग का मामला। सीतामढ़ी के SP ने कहा नेपाल के इलाके में हुई घटना। SSB के कमांडेंट ने नेपाल के SP से बात की। घटना के बाद बॉर्डर इलाके में भारतीय जवानों को गश्त तेज करने को कहा। सेना प्रमुख ने कहा नेपाल से हमारे रिश्ते मजबूत रहे हैं। पड़ोसी देश से बातचीत से मुद्दा सुलझाने में हम सक्षम हैं। यूपी में कोरोना से एक दिन में 20 मौत। अब तक 365 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में एक दिन में 528 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा 12,616 हुआ। राज्य में 4,642 एक्टिव केस। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 95 नए मामले सामने आए। नोएडा से एक और शख्स की मौत। गाजियाबाद में 16 नए मामले मिले। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में भयंकर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। सभी 8 वेंटिलेटर नहीं काम कर रहे हैं। अस्पताल में हो रहा है कोरोना पीड़ितों का इलाज। लखनऊ में 63 साल की महिला की कोरोना से मौत। अब तक 8 लोगों की हुई मौत। कुल 512 लोग पॉजिटिव। प्रियंका वाड्रा ने योगी पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में किसान और प्रवासी मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार स्किल के तहत प्रवासियों को रोजगार देने का छलावा कर रही है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों में ट्रू नेट मशीनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोरोना रिपोर्ट में तेजी आएगी। लखनऊ में केजीएमयू में कल आए 2,220 सैंपल, 71 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। मुरादाबाद में बना नॉन एसिडिक और क्लोरीन फ्री डिसइंफेक्टेंट, इस डिसइंफेक्टेंट से हैंडीक्राफ्ट सामान की कोटिंग पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए भी आर्थिक मुश्किल का वक्त, कहा लॉकडाउन हट गया लेकिन अभी तक एक सामान नहीं बिका। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 10,000 के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 476 नए केस सामने आए, 9 लोगों की मौत। कोलकाता में एक शमशान में 13 सड़े गले शवों को लाने का वीडियो वायरल हुआ, लोगों के विरोध के बाद नगर निगम की टीम शवों को वापस ले गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लावारिस शवों को रिहायशी इलाके में बने शमशान में लाया गया था, कोरोना मरीजों का शव होने की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने शवों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, कोलकाता पुलिस और नगर निगम से जवाब मांगा, पूछा क्या शवों को ऐसे ही लाने की व्यवस्था है। हरियाणा में एक दिन में मिले कोरोना के 366 मरीज, कुल केस हुए 6,334, केवल गुरुग्राम में 185 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पंजाब में 99 नए मामलों की पुष्टि हुई, 4 लोगों की मौत, 3,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पंजाब सरकार ने वीकेंड और छुट्टियों में पाबंदी को लेकर गाइडलाइंस को मंजूरी दी, जिले के बाहर आवाजाही पर रोक। नई गाइडलाइंस के तहत रात 8 बजे बंद होंगे रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें, बाकी दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। लुधियाना में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी, बस टर्मिनस पर पहुंचे लोगों ने कहा अगर जनता को पहले पता होता तो लोगों को परेशानी नहीं होती। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खुले रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह 60% ग्राहकों के साथ काम करने की छूट। तमिलनाडु में कोरोना के केस 40,000 के पार, एक दिन में बढ़े 1,982 मरीज, 18 लोगों की मौत। कर्नाटक में 271 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 6,516 हुई, अब तक 81 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 495 नए मामले सामने आए, 31 लोगों की मौत, मरीजों का कुल आंकड़ा 22,562। अहमदाबाद में एक दिन में 327 नए मरीज सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 15,962, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। विशाखापत्तनम में कोविड से रिकवर हुआ 4 महीने का बच्चा, 18 दिन वेंटिलेटर पर लड़ी जिंदगी मौत से जंग। चेन्नई में 97 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीती, 14 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। राजस्थान में एक दिन में 230 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। भोपाल में कोरोना विस्फोट जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 70 नए मामले, राज्य में कोरोना के कुल 10,443 मरीज। इंदौर के बाजार खुलने के बाद भी नहीं लौट रही है पूरी तरह से रंगत, करीब 2 महीने बाद खुले हैं बाजार। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगी कॉन्टैक्टलेस घंटी, सेंसर की वजह से भक्त के आने पर खुद बजेगी घंटी। मंदिर में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, मुस्लिम समाज के नाहरू खान ने बनाई घंटी, मंदिर के पुजारी और भक्त खुश नजर आए। इंदौर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर के सामने खड़ी हुई आर्थिक समस्या, कहा 2 महीने से काम बंद होने से नुकसान, सरकार से नहीं मिली कोई मदद। मध्य प्रदेश में दुकानें खुल गईं लेकिन कम ग्राहक आने से दुकानदार परेशान। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में तेजी जारी, लद्दाख में एक दिन में 124 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया, लॉकडाउन में और सख्ती लाने का ऐलान किया गया। सरकार ने कुछ विदेशियों को भारत आने की मंजूरी दी, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भी मिलेगी इजाजत। अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलेंगी 10 और फ्लाइट्स, 20 जून से 3 जुलाई के बीच वंदे भारत मिशन के तहत होगी वापसी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कलाकार ने यमराज की वेशभूषा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। श्रीनगर में कोरोना से 74 साल के एक रिटायर्ड डॉक्टर की मौत, अब तक 54 लोगों की मौत हुई। कोरोना काल में बारामूला में स्कूली बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस, जिला प्रशासन की पहल, 40,000 बच्चों को इसका होगा फायदा। आरपीएफ पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 1-1 रुपये महंगा हुआ, राज्य सरकार ने सेस लगाया। पश्चिम बंगाल पहुंचा मानसून, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश हुई, कोलकाता में 38 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नासिक में 3 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, गोदावरी नदी उफान पर, नदी किनारे पार्क किए गए वाहन पानी में फंसे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी पहुंचा साउथ वेस्ट मानसून, अगले 48 घंटे में बारिश का अनुमान। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच इलेक्शन, 24 जून को तीनों नगर निगमों के मेयरों के लिए होगी वोटिंग। असम में तेल के कुएं में आग से चाय की फसल को भारी नुकसान, टी गार्डन में सूख कर गिर रही हैं पत्तियां। उड़ीसा के पार्वद्वीप में नाव डूबी, 2 मछुआरों की मौत, 13 को बचाया गया। राजस्थान के जोधपुर में एक तालाब में बड़ी तादाद में मरी मछलियां, कम पानी की वजह से हुई मछलियों की मौत। चीन में बीजिंग के कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन, बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। चीन की राजधानी बीजिंग में सामने आए कोरोना के 2 और केस, मीट बाजार किया गया बंद, पॉजिटिव निकला शख्स, मीट खरीदने गया था मीट बाजार।
ब्राजील के साओ पाउलो कब्रगाह में भयावह तस्वीर सामने आई, दफनाने के लिए जगह नहीं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 8.5 लाख लोग बीमारी की चपेट में। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 21 लाख के बेहद करीब पहुंची, 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में एक दिन में 80,000 से अधिक केस सामने आए, एक दिन में 2,500 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई। वर्ल्ड में अब तक 76,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, कुल 4,25,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पेरू में 137% बड़ी अदरक के निर्यात की डिमांड, कोरोना की वजह से दुनिया भर में अदरक का हो रहा है इस्तेमाल। फ्रांस में एशिया से आए सस्ते मास्क की वजह से कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं व्यापारी, फ्रांस में बने मास्क हो रहे हैं बेकार। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की निंदा की, लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का लेट फी माफ होगी, टैक्स बकाया नहीं होने की शर्त पर।